नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा राज्यसभा चुनाव, बसपा ने 7 बागियों को किया निलंबित। मूसर बस्ती, चुनावी मौसम में भी छुआछूत की रहती मार, रसातल में विकास। हरिवंशपुर, बिहार के गांव में न्याय और सुविधाओं से वंचित है आबादी। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 48,648 नए मामले, 563 मरीजों की मौत। सऊदी, महिला अधिकार कार्यकर्ता लुजैन के परिवार से मिलने को लेकर भूख हड़ताल की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में बगावत हो गई है। बुधवार को बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों यानी विधायकों ने निर्वाचन अधिकारी से अपना नाम वापस लेने का आवेदन कर दिया। इसके साथ 2 और विधायक भी थे। इसके बाद गुरुवार को बसपा की प्रमुख मायावती ने पार्टी के इन 7 बागी विधायकों को निलंबित कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 9 नवंबर को मतदान होना है। ये 10 सीटें 25 नवंबर को खाली हो रही हैं। इसके लिए भाजपा ने 8, सपा ने 1 और बसपा ने 1 प्रत्याशी खड़ा किया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज के खड़े होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का नामांकन ही रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के बाद कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी समय बसपा में बगावत भी हो गई। ऐसे में बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम की राह थोड़ी मुश्किल दिखने लग गई है। बिहार के चुनावी मुद्दों और ज़मीनी ताप को महसूस कराने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह के साथ चलते हैं मूसर टोले की ओर, जहां नीतीश के विकास की चिंदी चिंदी उड़ रही है। गंदगी के अंबार पर गरीबी में डूबे हुए जिंदगियां बता रही हैं कि किस तरह से छुआछूत हमारे दौर की घिनौनी हकीकत बनी हुई है। आइए देखते हैं। मुसहर यानी छुआछूत की सबसे तगड़ी मार का शिकार होने वाले भारतीय नागरिक, इनकी बस्तियां दूर से ही समझ में आती हैं। भीषण गंदगी, बजबजाते नाले, सुअर, मल, सब कुछ इन बस्तियों के चारों तरफ फैला होता है। छुआछूत जो बहुत पहले ही इसका उन्मूलन हो चुका संविधान में, यह छुआछूत यहाँ हर तरफ पसरी हुई है। इस जाति समूह के तमाम लोगों के पास छुआछूत का शिकार होने की मार्मिक कहानियां हैं। हर जगह इनके बारे में एक ही तरह के शब्द बोले जाते हैं कि ये लोग बहुत बसाते हैं, बहुत महकते हैं मुसहर। अच्छा, मुसहर बस्ती में बाहर जो बाकी गांव है वहां पर आने जाने में मुश्किल होता है, छुआछूत मानते हैं लोग। एक घर में सासू रहता है, गोतनियो रहता है, मन रहता नहीं है, वही में घर नहीं पास का होकर चाहिए। जाड़ा का दिन आता, बरखा पुनिया आता, तो सब व्यक्ति एक में मुसरी और कुछ आता, यहाँ देखते घर जाकर वो एक तरीके घर बढ़ कल्ला मर बढ़ वो घर आवा हम ये घर बढ़ यही दिखाता नहीं ले रहा हुआ सब घर भेजा के खींच। एक तरफ जबरदस्त छुआछूत और वहीं दूसरी तरफ भयानक भीषण बर्बर उपेक्षा। यह गांव बहुत समृद्ध गांव है, लेकिन इस गांव में रहने वाले यह मुसहर दाने दाने को मोहताज हैं और इनके सर पर छत तक नहीं नसीब होती है। एक कमरे का घर है और उसमें 2-3 परिवार यानी 6-7-8 लोग रह रहे हैं। हमने का घर बढ़ गए, द्वार बढ़ गए, यहाँ कितना आदमी हो गया इसमें। इस घर में हमने के दो परिवार, वो बड़ा दो परिवार, हमने के दो परिवार वो बड़ा लो मर देवर गोतनी बाड़ी लो, अब वही में नाना तो बाड़ी लो आवे लीलो तो ना आवे लीलो घर द्वार का चलते कि घर द्वार काम बस सके। तो बा तो आपको लगता है कि घर सबसे पहले होना चाहिए? ये जो एक एक कमरे के टूटे फूटे घर हैं, यह भी उन्हें लालू प्रसाद यादव की रिजीम में उनके शासनकाल में मिला था। लालू प्रसाद यादव ने मुसहरों के घर के लिए एक उस समय योजना निकाली थी, जिसमें वह कुछ चरणों में मुसहर को ही पैसा देते थे ताकि वह बना सकें। वह पैसा आज की तारीख में या उस समय भी कितना कम रहा होगा ये घर बताते हैं।
संपूर्ण आपका पैर में दिक्कत है। कब से हुआ? जन्म से होगा पेट में के? तो कुछ आपने पेंशन के लिए लिखा? विकलांग पेंशन तारा मिलेगा? नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिल रहा है। बोला मुहा भरी थी आप? कोई पेंशन के लिए भरा था आपने? पेंशन के लिए भरा भी नहीं। तो फिर कैसे पेंशन का लेवे जब भरा नहीं? तो मैं तो कैसे भरा? अपना मेहनत करना चल जाए। दुकानदारी का कितना दुकानदारी का क्या नाम है आपका? क्या काम करती हैं आप? हम काम करती है, कोला कुल्ली है, कोला फिर के लकड़ी न ले आती है, अदरती है, खट्टी सब्जी देती है, तीन तरह के ले आती है। हाँ, और बड़ी की ले सब कुछ काम करेगा। बोरा है बोले ले। और आपका बेटे? बेटा, बेटा हमारा बहुत बड़ी की ले ला। डॉली, आपका पेंशन कितना है? हाँ, जोन अपन दिल से लिखवा दे पैसा तेरा बारी साल का कर लो। क्या बोलते हैं? आ जाता हूं। हां खा जाता हूं। नहीं मिलता है अब बाहर का दर देता है सही के लोग लोग पैसा नहीं मिलेगा। हां जल्दी के ना नाले पर ही बीत रहा है जीवन, बजबजाता गंदगी से भरा हुआ नाला इन लोगों के जीवन का सबसे बड़ा नासूर है। फोटो खींच लिए सरकार, अब दो पैसा कमाते बन जाता, खाते पीते रह जाता नहीं जाया। बटोराई कहाँ से दो पैसा का कमी नहीं होगा ताड़ुए तो? अब यही में खेती पधार रहता बनू। ना खेती नहीं की हमने, काम मजदूर बन जा कमा कोड़ के खाई ला जा। काम करती है जान लो काम करे ये सब जब रोपनी डोपनी होखेला तब ये कर लन ना तपड़ा पगीटी बालू उतारे लन लो। अब का और ये कर लन का नीतीश कुमार का महादलित का जो भी कार्ड है, जितनी भी वादे उन्होंने किए हैं कि महादलित के जरिए उन्होंने अति दलित तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, इनकी धज्जियां इस मुसहर टोली में उड़ती दिखाई देती है। यहाँ पर भीषण गंदगी है, घर टूटे हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और काम के लिए कुछ भी ठोस व्यवस्था अभी तक कहीं नजर नहीं आई। बिहार के वैशाली जिले में पटना से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में हरिवंशपुर गांव में चमकी बुखार के प्रकोप से लोग परेशान थे। स्थिति को सुधारने के लिए गांव के लोगों ने पीने के साफ पानी और स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा और कुछ नहीं मांगा था। जब 40 परिवारों के 7 बच्चों की मौत हो गई तो उन्होंने अपनी सरकार से इस बात पर ध्यान देने की मांग करते हुए 2019 में पास के राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को अवरुद्ध कर दिया। पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बदले ग्रामीणों को राजनेताओं और अन्य हितधारकों के द्वारा झूठा आश्वासन दे दिया और राजमार्ग अवरुद्ध करने की वजह से ग्रामीणों के खिलाफ FIR भी की गई। वादा किया गया था कि साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी और FIR वापस ली जाएगी, पर गांव के लोग अभी भी इन वादों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। बिहार के वैशाली जिले में पटना से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में हरिवंशपुर गांव में चमकी बुखार का प्रकोप हुआ, जिसके विरोध में गांव के लोगों ने पीने के साफ पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं मांगा। ये नल में पानी आता है? हाँ भी आता है। उस वाले में? हाँ थोड़ा थोड़ा। कितना देर आता है? बहुत कम आता है, कभी भी हमारे सब नल में पानी आता ही नहीं।
अच्छा खोल के दिखाओगे उसको जरा? बंद है। अच्छा और इस वाले में सब बंद है। जब 40 परिवारों के बीच 7 बच्चों की मौत हो गई तो उन्होंने अपनी सरकार से बेहतर ध्यान देने की मांग करते हुए पास के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-22 को अवरुद्ध कर दिया। पिछले साल हुआ था, चमकी बुखार हुआ था, चमकी बुखार से 7-8 बच्चे यहाँ मर गए थे जी। इसमें 2 बच्चा मेरा भी मरा है एक दिन के दिन में। क्या उम्र थी आपके बच्चों की? एगो के प्रिंस कुमार था, उसका नाम बड़ा वाला के उसका 7 साल के था। छोटा वाला के छोटू नाम था, उसका नाम था 2 साल का उम्र था जी। 2 साल का एक ही दिन में मौत हो गई? एक दिन में दोनों की मौत। और पूरे गांव में कितने बच्चे की मौत? पूरे गांव में 7 बच्चे की मौत। अच्छा। पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बदले ग्रामीणों को राजनेताओं और अन्य हितधारकों द्वारा झूठा आश्वासन भी दिया गया और राजमार्ग को अवरुद्ध करने की वजह से ग्रामीणों के खिलाफ FIR भी की गई। आज साल से 1.5 साल हो गया। हाँ? तो हुआ जे बच्चा सब मरने लगा। हाँ? ये चमकी बुखार से। हाँ? तो मेरा हस्बैंड बाहर थे। हाँ? तो बाहर थे तो चमकी बुखार हुआ तो पानी की सुविधा नहीं था। हाँ? तो सब लोग गए थे वहाँ रोड पर। हाँ? रोड घेराव करने। हाँ? तो उसको बाद में माने कि अब जो भी आदमी थे। हाँ? सब गए थे तो उसको बाद में हुआ जे केस कर दिए मेरे हस्बैंड पर। हाँ? मेरा ससुर पर किए। हाँ, ससुर आपके गए थे क्या? नहीं गए थे, पैरालिसिस मारे थे। अच्छा। तो विकलांग थे उनको तो हुआ जे मेरा हस्बैंड पर कर दिए। ससुर पर था तो ससुर डेथ कर गए। हाँ? तो उसको बाद हस्बैंड पर कर दिए। अच्छा। उसके बाद में कानून आए तो बोले कि बेल कराइए बेल कराइए। तो 7 महीना मेरे हस्बैंड आकर के यहाँ थे लॉकडाउन में। तो 7 महीना थे तो बोले कि अब अति बेल होगा, प्रक्रिया इसको होगा। हाँ। तो कानून आए थे। हाँ। तो 14 आदमी के केस था तो और हमको हस्बैंड पड़ा ताकते ताकते चल गए। हाँ। बेल के कोई अथी नहीं आया। हाँ। कागज उगज तो चल गए। तो उसके बाद में फिर बोले कि बेल होगा तो उनके बाद में कानून आकर के बोला है कि आपका कुर्सी जब्ती हो जाएगा। कुर्की जब्ती हो जाएगा? हाँ, घर का कुर्सी जब्ती हो जाएगा। चमकी बुखार के साल भर से थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर। हाँ, बच्चे को परेशानी भी हुई थी आपके इस टोला के? सर, इस गांव में 3-4 बच्चा मरा है। हाँ, उसको आसपास में और मरा है। हाँ, उसी लिए ना पानी के लिए लोग सड़क पर रोड घेराव किए थे। हाँ, उसीलिए FIR किया गया। हाँ, क्या चीज के हम लोग गलती से FIR किया गया? पानी के लिए बच्चा मर रहा था, सियान मर रहा था। हाँ, सब तरस रहा था, पशु जानवर सब। तब ना रोड घेराव किए। घेराव करने के अलावे हम लोग पर FIR किया गया। हरिवंशपुर के निवासियों ने 2019 में सरकार को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कई पत्र लिखे और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में केवल बिहार में ही चमकी बुखार के 872 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 176 बच्चों की मौत हुई थी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 30 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 48,648 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 563 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 57,386 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 9,301 मामले कम हुए हैं। देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 80,88,851 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,21,090 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.16% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 91.15% हो गया है, यानी अब तक 73,73,375 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,94,386 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 10,77,28,000 सैंपल्स की जाँच हो चुकी है, जिनमें से 11,64,648 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। पिछले 3 वर्षों से सऊदी सरकार के अधिकारियों द्वारा कैद प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता
लुजैन अलहतलॉन ने अपने परिवार से लगातार मिलने की अनुमति ना देने पर जेल अधिकारियों के फैसले के विरोध में अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू की। ये खबर मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने बुधवार 28 अक्टूबर को प्रकाशित की। 90 दिनों से अधिक समय तक टेलीफोन के माध्यम से उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क करने से अल हैर जेल में प्रशासन द्वारा रोकने के बाद सितंबर में हतलॉल ने लगभग एक सप्ताह के लिए भूख हड़ताल की। सितंबर में इस हड़ताल के चलते उनकी सेहत प्रतिदिन बिगड़ रही थी, जिसके बाद उनकी सेहत की चिंता को लेकर यह भूख हड़ताल खत्म की गई। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आज बस इतना ही। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Instagram और Facebook पर फॉलो करें और हमारी हिंदी वेबसाइट पर भी एक नज़र डालें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.